अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री कपिल पंजाबी को यहाँ पे आएंगे, हमारे बहुत परम मित्र हैं और योगा के पुराने साधक हैं और जेन योगा के जो स्टार्टिंग से देखे मैंने जो भी 3 सालों में जो भी मैंने कॉमेंट्रीज कहा ना कहा भी दिए वो कपिल जी के पास मौजूद है उनके मोबाइल में और आज तक वो सुनते आ रहे हैं। वो सारी कॉमेंट्री सुनने के बाद ही उनके मन में आया कि मैं 2 दिन का ये कोर्स आके करूंगा तो अपना एक्सपीरियंस कपिल जी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये लाइफ क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये मुझे क्वेश्चन एक्चुअली अर्ली 20s में आ गया था, लेकिन तब सर एक्चुअली उल्लासनगर में कल्याण में एकदम ही वॉज एट इज पीक जब मैं अर्ली 20s में था। बट एज अ यंगस्टर यू डोंट वॉन्ट टू गो इन टू योगा, यू ऑलवेज बिलीव इन साइंस एंड यू वॉन्ट टू सर्च क्वेश्चन इन साइंस। तो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, ऐसा कोई शो नहीं होगा जो मैंने नेशनल जियोग्राफिक या जो भी ये इन्फॉर्मेशन चैनल से उन पर नहीं दे पाऊंगा टू फाइंड एन आंसर हाउ लाइफ स्टार्टेड। देन आई गॉट इन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, शादी हो गई, लाइफ बहुत टफ हो गई, एवरीबडी गेट्स इन टू इट्स 30s एंड 30s इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल। देन फाइनली आई गॉट यू नो लाइक अ स्टॉप सिग्नल फ्रॉम नेचर, आई स्टार्टेड हैविंग अ ऑटोइम्यून डिजीज विच इज सोरायसिस फॉर विच आई मेट सर। So I met sir in 2017 and at that time when sir is you know acting as a doctor, so he will really you know he will do his good karma. So at that time he will only talk about what he should do as a doctor. He would never cross his line and say ki, you know this is bad, you go and look after the other stuff. So but after some point I realized that the answer is not into you know the allopathy. So after that I came to ashram and then I realized what you know yoga really is and how it can improve our life because it changes the lifestyle. And jab se main sir se mila hu main koshish kar raha hu ki jo bhi sir sikhate hain apne life mein adopt karu aur main thank you bolna chahunga sir ko ki sir aapne pura hard work kiya hai humko abhi sirf follow karna hai, aapne template humko bana ke diya hai. I'm really thank you for this and I really want to associate with this ashram in future also and I would also like to come and help you know spread the word and also act as volunteer. हमने क्या किया है, सांचा डल चुका है, किताब लिखी जा चुकी है। ये किताब एक प्रत्यक्ष के लिए सदियों इंतजार कर सकती है, जैसे एक भगवान ने उस ईश्वर ने एक प्रेक्षक के आने के लिए 6000 साल इंतजार किया। तो किताब लिखी जा चुकी है, साक्षा डल चुका है, 1976 में डॉक्टर सहज ने लिखा है। हम तो खाली एक माध्यम बन रहे हैं आपको उसको प्रस्तुत करने के।